नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो भी मुखिया उम्मीदवार हैं, जिला परिषद उम्मीदवार हैं, BDC उम्मीदवार हो, तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ क्षेत्र संख्या 11 हुसैनगंज के जिला परिषद उम्मीदवार के पति राजेश यादव जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि पत्नी इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से चुनाव लड़ेंगी, तो हम इनसे बात करेंगे। राजेश यादव जी, इस बार आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले बहुत बहुत आदाब और प्रणाम। और मैं 11 नंबर जिला परिषद क्षेत्र संख्या के सभी सम्मानित जनता एवं हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक सभी को तहे दिल से मैं प्रणाम आदाब करता हूँ। और जिला परिषद चुनाव तो हम जीत चुके हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि सबके घर से मैं जुड़ा हूँ। मैं नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर जाकर वहाँ काम करता हूँ और हर दुख सुख में मैं उनके साथ रहने का, स्टेक खड़ा रहने का मैं काम करता हूँ, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यादव जी, कहा यह भी जा रहा है कि आप अपनी पत्नी को चुनाव इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि जिला परिषद के जो अध्यक्ष चुनाव होगा उसमें आपकी पत्नी उम्मीदवार होंगी, ऐसा सही बात है क्या? जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद 120% फाइनल और सच्चाई है कि हम जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हम लोग सिवान में लड़ने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसके लिए हमें एक मिनट पीछे नहीं हटूंगा, कदम मैंने अपना आगे बढ़ा दिया है, इसके लिए जो होगा हम उसको लिए मैं। क्या लग रहा है क्षेत्र संख्या 11 को ही आपने चुना है, ऐसा क्यों? देखिए, 11 नहीं, मेरे घर के बगल का क्षेत्र है और सभी मतदाता मालिक और मेरे गार्जियन, मेरे माता बहन सबसे मैं जुड़ा हूँ और सभी लोग हमको करीब से जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो लोग हमको जानते हैं, इसीलिए मैं 11 नंबर जिला परिषद हुसैनगंज चुना हूँ। राजेश यादव जी, आप चुनाव तो जिला परिषद से लड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पंचायत के ऊपर बात करेंगे, चूँकि आप ही के क्षेत्र में कई सारे पंचायत भी आएंगे। पंचायत में खास करके नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कार्यक्रम की बात कही गई थी, 7 निश्चय योजना, क्या लग रहा है कैसे कार्य हुए हैं? 7 निश्चय योजना सही महीने में जमीन पर उतरा है कि नहीं? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो जल नल योजना है सबसे माने खत्म योजना है। आने वाले दिन में केवल इसमें मुखिया ही मालेमाल हुए हैं, जनता का 1% भी इसमें विकास का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे जिला परिषद में 8 पंचायत आते हैं, अगर हम जिला परिषद बनते हैं तो 8 पंचायत को मैं चमकाने का काम करूँगा। चलिए, तो राजेश यादव जी थे, आपको बता दें कि इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से इनकी पत्नी उम्मीदवार होंगी और ये हुसैनगंज में पड़ता है क्षेत्र संख्या 11, वहाँ से ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके क्षेत्र में 8 पंचायत आता है और अगर इस बार ये चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ।